और अध्यक्ष महोदय, एक बीजेपी वाले ने बड़ा सही बोला है, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त, अगर उसके स्कूल और अस्पताल देख लिए तो मोहब्बत हो जाएगी केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पिछले 9 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे और मुझे उम्मीद है कि वे अगले साल इसी विधानसभा में हमारी सरकार का 11वां बजट पेश करेंगे। केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि श्री राम अगर आज होते तो उनके घर भी भाजपा सीबीआई और ईडी को भेज देते और बंदूक रखकर उनसे पूछते कि भाजपा में आना है या जेल जाओगे। सभी पार्टियों को तोड़ दो, ईडी और सीबीआई के जरिए सभी पार्टियों को खत्म कर दो, ना पार्टी रहेगी तो चुनाव ही नहीं होंगे। इनको गुजरात में मौका मिला था, एक भी स्कूल अच्छा नहीं मिला, एक टर्न का स्कूल लगवाकर 5 बच्चे एक फर्जी टीचर के साथ पीएम ने फोटो खिंचवा ली। सीएम ने आगे कहा कि अगर इन्होंने एक भी बढ़िया स्कूल बनाया होता तो इन्हें सरकार तोड़ने की जरूरत नहीं होती, जनता इन्हें खुद ही अपना समर्थन दे देती। उत्तराखंड में इन्होंने कांग्रेस की सरकार तोड़ दी, महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार को गिरा दिया, अपनी तोड़फोड़ सरकार बना ली, पूरे देश में सभी पार्टियों को खत्म कर देना चाहते हैं। हिटलर ने 3 महीने में सभी को खत्म कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। अगर श्री राम होते तो उन्हें भी बंदूक के दम पर कहते हमारी पार्टी में आ जाओ। उन्होंने कहा कि अब मुझे जेल में डालने की तैयारी है। भाजपा में मेरे कई मित्र हैं, वे कहते हैं जो केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं, इसके बाद फ्री बिजली खत्म कर देंगे, इसके बाद बढ़िया स्कूल बर्बाद कर देंगे, जितने सामान भेजोगे उतने ही स्कूल बनाऊंगा, अगर केजरीवाल के स्कूल और अस्पताल देख लोगे तो हमसे मोहब्बत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।